स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी की। इससे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं आपके टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू सारे टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं विद अ डिटेल और बाइलिंगुअल सीरीज है, तो उन सारी वीडियोस को आप देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बेनिफिशियल्स है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी से। जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में, हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। पहला कहता है प्री फिक्स ऑफ सीएस ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन ग्रांटेड बाय आईसीएसआई। मतलब क्या था, जो संस्थान के सदस्यों को जो सीएस का जो उपसर्ग है मींस आईएससीआई, वो दिया गया था। कब दिया गया था? पहला कह रहा है जून 23-24-2007, बी कह रहा है फरवरी 17-19-2008, दिसंबर 24-27-2006 और डी कह रहा अक्टूबर 15-18-2005 और ई है जनवरी 4-5-2004। तो प्रीफिक्स जो है सीएस का वो दिया गया था जून में, जो कि 23 और 24 2007 को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संस्थान जो आईसीएसआई के सदस्यों को सीएस का उपसर्ग आईसीएसआई के द्वारा 23-24 जून को, ठीक है, तो 23 और 24 जून 2007 को दिया गया था। बेसिकली जो ये जो डिसीजन है संस्था की 173वीं बैठक में, जो कि 23 और 24 जून 2007 को हुई थी, उसके लिए लिया गया था। तब ये क्या हो गया, प्रयोग में लाई जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट। कहता है इसमें से कौन सा लेखांकन सिद्धांत जो है स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को दर्शाता है, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, ड्यूल एस्पेक्ट, नन ऑफ दीज। हमने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब क्या कहता था कि बिजनेस की, बिजनेस और एंटिटी को दोनों को क्या है, दोनों की अलग पहचान, और दोनों क्या है, अलग है। बिजनेस अलग है, एंटिटी क्या है आपकी, अलग है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस, क्या, तो बिजनेस को अलग और एंटिटी को अलग, दोनों बिजनेस की पहचान अलग है, ओनर की सॉरी एंटिटी की दोनों की अलग है। तो इसीलिए इस अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी का मतलब हुआ कि ऑनर और जो मैनेजमेंट है उन दोनों के रिलेशनशिप को क्या है, दर्शाता है कि बिजनेस अलग है, एंटिटी अलग है, दोनों को अलग अलग। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्यवसाय में व्यवसायिक इकाई अवधारणा या व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा व्यवसायी या व्यवसायिक दोनों को एक दूसरे क्या है, अलग करती है। ठीक है, और लेखा करते समय व्यवसायी को व्यवसाय से अलग ही रखा जाता था, व्यवसायी के व्यक्तिगत लेन देनों को व्यवसाय के लेन देनों से अलग कर दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंडिया आर इशूड बाय। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आरबीआई के द्वारा। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंडिया में कब इशू किए जाते हैं वो, और कौन इशू करता, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी कि आईसीए मींस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आईसीए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। तो जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता, तो आईसीए जिसे हम बोलते हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए जाते हैं। बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जारी होते हैं और ये आईसीएआई के अधीन होते हैं, और एएसबी की स्थापना 1977 तथा आईसीएआई की स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड द ऑड वन आउट विद रिकॉर्ड्स टू बुक कीपिंग। कहता निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषय है। पहला कहता है बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। बी कहता है बुक कीपिंग इज एसेंशियली ए क्लैरिकल वर्क, एंड सी कहता है बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मोर यूजफुल, डी कहता है बुक कीपिंग ओनली कंसिडर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, एंड ई है बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस। पहले हम जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। जब हम ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, बी प्लस एम मीन्स जो बिजनेस से रिलेटेड हो, प्लस एम, एम का मतलब होता है कि मॉनेटरी टर्म, जिसको हम पैसे में मेजर कर सकें। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हो, प्लस वो मॉनेटरी टर्म्स में हो। ठीक है,
तो बुक कीपिंग क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि हम ट्रांजैक्शंस को, जैसे हम जब नोट्स बनाते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी तरह अकाउंटिंग में जो सबसे स्टेप पहला होता है बुक कीपिंग, उसको हम बुक में रिकॉर्ड्स करते हैं। तो देखिए बुक कीपिंग जो है इसकी लिमिटेड स्कोप होती है, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी है, क्लैरिकल वर्क होता है, इसमें हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और ये डिपेंड्स करता है अकाउंटिंग फॉर्म। तो ऑप्शन ही है कि बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस, बही खाता लेखांकन प्रक्रिया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बुक कीपिंग के बाद क्या होती है हमारी, तो बुक कीपिंग के संबंध में है कुछ निम्नलिखित दिए गए हैं। पुष्पालन का कार्य क्या होता है, रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण व उसको मीन्स आइडेंटिफाई करना, सॉरी इसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। दूसरा होता है मुख्य रूप से एक लिपिकी कार्य होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 19 है किससे रिलेटेड है, लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है, पट्टे से है, डिस्काउंटेड ऑपरेशन से, कि इनटेंजिबल असेट्स की DEPS थे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये लीजेस से, पट्टे से रिलेटेड है। और अकाउंटिंग जो लेखांकन प्रमाप मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 24 है वो किससे रिलेटेड है, बंद की गई क्रियाओं से है। और लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है अमूर्त संपत्तियों से है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 20 है EPS से रिलेटेड है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कथन जो पूछ रहा सही नहीं है। पहला कह रहा है तो जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। बी कह रहा बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए सर्टेन सेट ऑफ बुक्स। एंड डी है बुक कीपिंग इज द मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट बुक। तो हमने देखिए फीचर्स में पढ़ा होगा, जब डिफरेंस हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डिफरेंस पढ़ रहे होंगे, तो बुक कीपिंग जो है एनालिटिकल इन नेचर नहीं होता, एनालिटिकल इन नेचर क्या होती है हमारी, अकाउंटिंग होती है। और तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बुक कीपिंग जो है एक साइंस भी है और उसको क्या कहा गया, आर्ट भी गया, क्योंकि उसको हम साइंस इसलिए कहा क्योंकि हम प्रिंसिपल्स और रूल्स पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और बुक कीपिंग को आर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। एक्सप्लेनेशन दिया है कि पुस्तपालन के अंतर्गत हम जर्नल से लेखा करना, उसको जर्नल से लेखा करते हैं, इनकी पोस्टिंग फिर हम लेजर में करते हैं, लेजर से क्या करते हैं ट्राई बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हमारी क्या है, एक्सप्लेनेशन दिया, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, असेसमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर, 1 अप्रैल, 1 जून की 1 मार्च। तो असेसमेंट ईयर हमने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कर निर्धारण वर्ष किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक उसी वर्ष पहले के वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर या विगत या वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्स असेट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा किससे रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली इट इज रिलेटेड टू सी से हो जाएगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है मूल्यह्रास में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से बनाया जाता है और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए हमें अलग अलग पॉलिसीज क्या होती हैं, अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इस कहता है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड होता है, ऑप्शनल, मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज की, मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनी। तो ये जो है प्रिपरेशन जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के द्वारा बनाया जाता है, ये जरूरी रहता है जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहता है। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको अन्य शब्दों में कहें कि ये सूचीबद्ध समझौते के अनुसार समाकलन सिर्फ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए है, क्या है, कंपलसरी होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी स्पेशली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी अपने प्रीवियस वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि बिल्कुल थ्योरी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बीकॉम एमकॉम किसी भी कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैंने बहुत कॉन्सेप्ट वाइज उसे समझाया है। तो पहला कन्वर्जन ऑफ डेब्ट टू इक्विटी, एक्वायर एन एसेट्स थ्रू लीज, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, एंड डी है परचेजिंग ए बिल्डिंग बाय गिवन अमाउंट। तो इसमें से कौन सा आइटम जो है हमारा कंपनी मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इंक्लूडेबल है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बात होती है। बेसिकली हमारे कितना कैश फ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, मींस कितना हमारी वर्किंग कैपिटल आई, तो
ठीक है, तो कैश फ्लो में हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में क्या बताया गया है? पहला कह रहा है टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेस, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स, टेकिंग केयर ऑफ द बैड डेब्ट्स, टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन। तो जो हमारा होता है आपका प्रूडेंस जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होता है, बेसिकली ये इसमें हम देखते हैं जो फ्यूचर में जो लॉसेस होते हैं, मतलब भावी हानियों को ध्यान में लेकर हम ये क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल बेस्ड है कि मान लो कि हमें इतने, ये क्या है, एक प्रीजप्शंस लगाते हैं कि हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मीन्स लेखांकन की दूरदर्शा थे सिद्धांत ट्रू रिकॉर्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल के अंतर्गत जो फ्यूचर में होने वाली जो वेव है हानियों को व्यवस्थित पूर्व से ही कर ली जाती है। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसमें से कौन सा है जो प्रिपेयर्ड किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से? पहला है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात की गई हो। कैश फ्लो का मतलब ये हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम कितना कैश आया, कितना कैश गया, इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में। ये एक्सप्लेनेशन है छोटे छोटे, आप लोग देख लीजिएगा। और कैश फ्लो में हम तीन तरह की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन द ईयर 1970, 1972, 1973 की 1977। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया को कब सेटअप हुआ या कब एस्टैब्लिश हुआ? तो ये एस्टैब्लिश हुआ, पहले ही क्वेश्चन में हमारा ये देखिए ये था नोट्स में, 1977 में एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट है, पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की एक कला है, ठीक है। तो ये परिभाषा किसने दी है? स्पाइसर तथा पेगलर द्वारा, जे आर बॉटली बॉय द्वारा, की कार्टर द्वारा, जॉन मैकी द्वारा। तो पुस्तपालन जो है व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप से लेखा की एक कला है, तो ये डिफिनेशन दी गई है आपकी, ये डिफिनेशन दी है आपकी ए ऑप्शन हो जाएगा कि पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों के मौद्रिक रूप में लेखा करने की ये कला है। तो जे आर बॉटली के अनुसार क्या डिफिनेशन दी गई है? व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान क्या है? पुस्तपालन है। प्रोफेसर कार्टर के अनुसार क्या कहा कि पुस्तकालन क्या है? वह कला है, वो आर्ट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मुद्रा व माल के सभी ट्रांजेक्शन्स का लेखा हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली जिसमें व्यक्तित्व तथा अव्यक्तित्व खातों द्वारा लेखा किया जाता है। विलियम फिलिप्स के द्वारा, एम जी केलर के द्वारा, आर एन कार्टर के द्वारा, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम पे भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस हमारी वीडियोस अपलोड हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्यों प्रिपेयर किया और डबल एंट्री सिस्टम किसने लाया, इन सारे पे हमारी वीडियोस अपलोड हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, नॉन कॉमर्स, टीजीटी, पीजीटी और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है डबल एंट्री सिस्टम, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा एंट्री सिस्टम होता है जिसमें हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है आर ए कार्टर के द्वारा दी गई है, बेसिकली उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त हो वहाँ से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। हमने पढ़ा होगा कि जो बुक कीपिंग अकाउंटिंग वहाँ स्टार्ट होता है जब बुक कीपिंग क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो ये क्या होता है, वह कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ऑडिटिंग स्टार्ट होती है और बुक कीपिंग का कार्य जब खत्म होता है तो वहाँ से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली लेखाकरण समाप्त होता है वहाँ से हमारी क्या होती है, ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं? बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अनिपुण अंकेक्षक होते हैं, सरकारी अंकेक्षक या पेशेवर की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वही ऑडिट कर सकता है जो उसके पास उसकी डिग्री हो, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर जो होना है श्रेणी में आते हैं, जबकि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के अंतर्गत अंकेक्षक सरकारी अंकेक्षक होते हैं। नेक्स्ट है, व्यावसायिक व्यवहारों में परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिन मदों की वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? व्यव आय आहरण की पूंजी। तो व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालों की पूंजी में जिन मदों में वृद्धि होती है उसे हम आय कहते हैं, इनकम कहते हैं। इनकम इसलिए कहते हैं कि जो पूंजी की वृद्धि में जो है वो आय माना जा रहा है और कमी को हानि। तो जब एक एकाकी व्यापारी की स्थिति में आय की पूंजी में जब जोर दिया जाता है और जबकि हानि को पूंजी से क्या है, लेस कर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? सूचनाओं का विश्लेषण, एम निरीक्षण, सूचनाओं का संप्रेषण, सी है लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन, और डी है वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। तो कहता है इसमें से कौन सा है जो लेखांकन का, अकाउंटिंग का सबसे लास्ट स्टेप होता है, तो वो होता है आपका बी, मीन सूचनाओं का संप्रेषण करना। पहला होता है आपका, ये सारे स्टेप्स दिए हैं, वस्तुओं सेवाओं का लेन देन, जर्नल पुस्तकों में लेखा, खाता बही में खाता खोलना, फिर उसका सेस निकालना, ट्राई बैलेंस करना, फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, फिर बैलेंस शीट बनाना, लाभ हानि का नियोजन खाता, फिर सूचनाओं का विश्लेषण एंड निर्वचन, सूचनाओं का संप्रेषण। तो ये सारी चीज़ें इसके स्टेप्स होती हैं, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कह रहा वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि का आगम कहते हैं। बी कह रहा स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया हुआ धन पूंजी कहलाता है। सी है एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने के अभिलेखन कहते हैं, और संपत्तियाँ जो होती हैं वो दायित्व इक्वल टू क्या होती हैं, हमारी संपत्तियां और लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होती हैं, पूंजी होती हैं। तो इसमें से कौन सा सही है कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कि एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्र करने की अभिलेखन कहते हैं। इसमें क्या बताया कि जो वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की धनराशि को हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं, और बेसिकली स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया उसे हम कैपिटल कहते हैं। मीन्स जो हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया, हमें अपने कैपिटल लाया, तो हमें क्या कहा जाएगा, वो कैपिटल मुझे प्रोपरेटर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सही। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया धन क्या कहलाता है? पूंजी, माल, संपत्ति या भवन। तो भाई हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें और हमने अपना कैपिटल लगाया, तो हमें क्या कहा जाए, हमें तो वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल कहलाएगा कि हमने 1,00,000 से कैपिटल लाया और हमें। तो दूसरे शब्दों में एक व्यापारी जिस धन को लाकर व्यापार प्रारंभ करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और एकाकी व्यापार में पूंजी व स्वामी का अस्तित्व एक साथ होता है, किंतु कंपनी व्यवसाय में दोनों में पृथकता होती है। पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है? बुककीपिंग का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक पुस्तकों को लेखा करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, शुद्ध लाभ की गणना करना, साझेदारी संलेख करना। तो अभी मैंने बताया बुककीपिंग क्या होता है, लेखे करना, उसको बुक में क्या करता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसका तात्पर्य क्या होता है कि डेली के डेली जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लेखा करने से है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, एक विक्रेता अपने 2,000 के माल को 1,800 रुपए में क्रेता को देता है, तो 200 का अंतर क्या कहलाएगा? नगद छूट, व्यापारिक छूट, उधार छूट के। तो ये देखो, मतलब कि 2,000 का था 1,800 में, तो 200 रुपए का अगर डिस्काउंट, तो हम उसे क्या कहेंगे, व्यापारिक छूट कहेंगे, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है? प्रामाणिकता, दर्जा राशि की शुद्धता, स्वामित्व, के इनमें से कोई नहीं। तो किसका उद्देश्य जिम्मा लेना होता है? स्वामित्व का उद्देश्य होता है जिम्मा लेना। बेसिकली इसमें मतलब हुआ कि जिम्मेदारियों का असर उत्तरदारियों के वहन करने से होता है, अर्थात किसी भी गतिविधि या कार्य के लिए संस्था का उत्तरदायी व्यक्ति के जिम्मेदार होता है, और इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन संस्था के स्वामित्व या स्वामी द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लेखांकन का मुख्य कार्य क्या होता है? आर्थिक समंकों का अभिलेख, कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना, व्यापारी व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख, अंडी है गैर आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना। तो लेखांकन बेसिकली अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है कि जो व्यवसायिक जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको वर्गीकरण में अभिलेख करना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बेसिकली ये इसमें बताया है कि लेखांकन व्यवसाय के लेखे हम घटनाओं से जो पूर्णतः वित्तीय स्वभाव के होते हैं, हम मुद्रा के रूप में उसको लिखने, वर्गीकरण तथा महत्वपूर्ण रूप से सारांशित रूप उनके परिणामों की व्याख्या करने की एक आर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन बोल रहा है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स लाइबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, और लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। तो हमने पढ़ा हुआ कि अकाउंटिंग इक्वेशंस में कि कैपिटल होती है जो हमारी एसेट्स होती है, जो संपत्ति में से दायित्व निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल। बेसिकली इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इस पे अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार के हमेशा क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए संपत्ति और दायित्व का योग बराबर होता है, और इसीलिए बाहर पूंजी प्लस बाहरी दायित्व इक्वल टू संपत्तियां। पूंजी खाता क्या है? व्यक्तिगत वास्तविक की मीन्स कैपिटल अकाउंट क्या है? तो कैपिटल अकाउंट क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इस पर भी मैंने प्रीवियस वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया, कितने तरह के अकाउंट होते हैं, क्या क्या उसके गोल्डन रूल्स हैं, अगर आपको उसे कॉन्सेप्ट समझना है तो आप देख सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन समीकरण है? परिसंपत्ति इक्वल टू स्वामी की इक्विटी, परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व माइनस स्वामी की इक्विटी, परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व इक्वल टू इक्वल टू स्वामी की इक्विटी। तो परिसंपत्ति ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वल टू होता है लाइबिलिटी प्लस स्वामी की इक्विटी होती है। मीन्स लेखांकन की डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो सौदे के दो प्रभावी होते हैं, एक होते हैं
इसमें आर्थिक चिट्ठे के दोनों पर संपत्तियों और दायित्वों का एक दूसरे के बराबर होता है। इस एग्जाम्पल देखते हैं, संपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में कि चेन्नई में, कोलकाता में? तो इसका जो कार्यालय है वो कहाँ स्थित है आपका हो जाएगा, ये आपका स्थित है मुंबई, सॉरी डी में, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्टेब्लिश। और इसकी स्थापना कब हुई? 28 मई 1959 में हुई थी। नेक्स्ट, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे कहता है? जे आर बॉटली बॉय, लुइस प्रथम को, कि फिलिप कॉटलर के, लुइस पैसिकुलो को। तो हमने डबल एंट्री सिस्टम जब पढ़ा होगा कि डबल एंट्री सिस्टम 1494 में लुकस पैसिलियो द्वारा वेनिस नगर में ये स्टार्ट हुआ था। तो आधुनिक लेखांकन के अगर ये बोलते हैं जनक फादर किसे कहा जाता है, तो दैट इज अ लुकस पैसिओली, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1494 में वेनिस नगर में द इंस्टीट्यूट नामक पुस्तक में डबल इंटर सिस्टम के एक लेख प्रकाशित किया था, जिसका पैसिओले महोदय ने किया था और इसका दोहरा प्रगति के जन्मदाता माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? लाभ अधिक्रमण, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, अभिलेखों को व्यवस्थित करना। तो कौन सा एक कार्य है जो लेखांकन का नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ अधिकरण जो है इसका एक फंक्शन नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय द बिजनेस। तो इसमें से कौन से हैं? बोथ ए आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कह रहा बोथ ए और आर ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही, कि इसमें से बोथ ए और आर टू है बट आर जो है करेक्ट एस्टिमेशन नहीं है। देखते हैं, लेखांकन व्यवसाय की भाषा में लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सही सूचना प्रदान करता है, और ये दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बिजनेस नेट वर्थ ऑफ रुपीज 6000 ऑन जनवरी 7500 एंड विद द विड्रॉल बाय द ओनर ड्यूरिंग 1000 नेट इनकम ऑफ जनवरी कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, 1500 हो जाएगा, 2500, 500 की नन ऑफ दीज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 7500 का हमने क्या किया था, 7500 का ये आपका संपत्तियाँ थी, उसमें से हमने क्या किया, 1000 वो गया, तो वो हम उसको ऐड कर लेंगे और 1 जनवरी को जो शुद्ध संपत्ति कितनी हो जाएगी उसको लेस कर देंगे, तो 2500 हमारा आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ करंट लाइबिलिटी? बिल पेबल, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर। तो इसमें से कौन सा है करंट लाइबिलिटी नहीं है? तो कंटिजेंट लाइबिलिटी जो होती है आपकी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, एक चालू दायित्व में नहीं होता है, कोई दायित्व नहीं होते, वह दायित्व होने की संभावना मात्र होती है। और चिट्ठे का दायित्व पक्ष के राशि स्तंभ में नहीं दर्शाया जाता, आपूर्ति विवरण की टिप्पणी में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है? एक एक्सपेंसेस, एक रेवेन्यू है, लाइबिलिटी के एसेट्स है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट एक तरह का एसेट्स है आपका, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये एक बीमा खाता, एक संपत्ति खाता जो वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, की ऑल ऑफ द अबव। तो जो पर्सनल, इसमें से पूछा पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट आपका कौन सा है? तो पर्सनल अकाउंट जो है आपका डी ऑप्शन होगा, पूर्वदत्त वेतन खाता, आरहर खाता, अदित्य किराए ओम की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट एंड मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए अकाउंटिंग का काम यही होता है कि वो सारी जो व्यवसाय की जो संपत्तियों की उसकी रक्षा करना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, और ये सारे इसके कारण हैं, आप लोग देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट अ करेक्ट? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज जो है कभी एसेट्स और प्लस कैपिटल नहीं हो सकते। यह समीकरण लेखांकन के द्विपक्षीय अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता, और इसके अंतर्गत क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए जो एसेट्स होती हैं उसका योग दायित्व के बराबर होता है, इसीलिए जो संपत्तियां होती पूंजी प्लस दायित्व के इक्वल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रॉपर्टी फॉर द पर्सनल यूज क्रेडिटेड करेंगे, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट। हमने क्या किया, हमने बिजनेस से क्या किया, हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लगाया, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। अब क्या करेंगे, इसको हम कौन क्रेडिट होगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया ASBI किससे रिलेट करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की रिवेन्यू रिकॉग्निशन। तो जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू हुआ वो किससे रिलेटेड, तो वो रिलेटेड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से। बेसिकली ASBI जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये संबंधित है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1951, 1955, 1949, 1959। तो 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इनेक्टेड हुआ, पारित हुआ था।
नेक्स्ट है द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22 ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी इज ऑन वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्यूट की नन ऑफ दी. तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग किससे कब हुआ, तो ये हुआ वैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसको. अकाउंटिंग जो होता है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, तो ये सारी चीज़ें इसमें तीनों आ जाएंगी. द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ऑनर ऑफ द बिजनेस, मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस की ऑल ऑफ द अबव. तो यूजर ग्रुप जो होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वो ऑप्शन डी हो जाएगा. इसमें तीनों चीज़ें आती हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस, मैनेजर ऑफ द बिजनेस, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस, और क्या होती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लेज डाउन द लाइन्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज. तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है. पहला कह रहा है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नॉट रीजनेबल वैल्यू. कॉस्ट ऑफ डैमेज मटेरियल शुड बी एडेड और अराइविंग इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक मैन्युफैक्चर गुड्स की यूजुअली आइदर द फीफो और द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी की जो बेसिक पॉलिसीज होती हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की शुड बी क्लियरली बी स्टेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्डिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज अ नॉन पर्सनल अकाउंट, एवरी डेबिट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट. तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हर डेबिट का क्या होता है, क्रेडिट पक्ष होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही. द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेज डाउन द गाइडलाइंस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज द स्टैंडर्ड. इसमें से कौन सा नहीं सही है, तो इसमें से जो आपका नहीं सही है, पहला कह रहा है कि जो इन्वेंट्री है वैल्यूड करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिजनेबल वैल्यू पे. बी कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डैमेज मटेरियल शुड बी एडेड हम करेंगे और आइदर द फीफो या वेटेड एवरेज से. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जो है, द बेसिक एंड द पॉलिसीज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, पहला का समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, एनालाइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन. तो करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा, पहले हम डाटा को क्या करते हैं, डाटा को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उसे समराइज करते हैं, फिर क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही. नेक्स्ट है इन द डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन अफेक्ट वंस अकाउंट. डबल एंट्री सिस्टम मैंने बताया कि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू है, एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है. टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम, वन अकाउंट इन अ टू वेज, टू अकाउंट्स इन अ टू वेज. तो ऑप्शन हो जाएगा सी की वन अकाउंट इन अ टू वेज. निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखा समीकरण नहीं है, परिसंपत्तियां हैं देयता प्लस पूंजी. तो ऑप्शन हो जाएगा परिसंपत्तियां इक्वल टू देयताएं माइनस पूंजी. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही लेखा समीकरण कौन सा है, तो पूंजी इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व, पूंजी इक्वल टू सामान्य संचय प्लस दायित्व, पूर्वत्व बीमा प्लस दायित्व इक्वल टू संपत्ति, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस लेनदार इक्वल टू दायित्व. तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजी जो होता है संपत्ति माइनस दायित्व, एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटीज या लाइबिलिटीज हो जाएंगे. नेक्स्ट है पृथक मानक लेखा परीक्षा व्यवहार SAP किससे संबंधित है, तो किससे, वृत्तीय प्रणालियों की एक लेखा परीक्षा के उद्देश्य से, कि प्रलेखन से, कपट एवं गलतियों का पता लगाने से, कि एक लेखा परीक्षा को नियंत्रित करने का आधारभूत सिद्धांत. पृथक मानक लेखा परीक्षा SAP जो किससे रिलेटेड है, वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है, जिसे हम स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं. कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, 20, 12, 16. तो कंपनी का जो एमलगेमेशन होता है वो किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से रिलेटेड है. वहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो है प्रति अंश आय अर्जन से रिलेटेड है, 16 जो है ऋण से संबंधित लागत का लेखांकन से रिलेटेड है, और 12 जो है सरकारी अनुदान का लेखांकन से संबंधित है. कौन सा सही समीकरण है बताना है. संपत्ति जो होता है पूंजी, संपत्ति इक्वल टू दायित्व माइनस पूंजी, संपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी, की उपरोक्त में से कोई नहीं. तो कौन सा सही समीकरण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो संपत्ति होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. नेक्स्ट है नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस मींस इक्विटी कैपिटल, टोटल एसेट्स, टोटल फिक्स एसेट्स माइनस करंट एसेट्स की टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. तो नेट वर्थ ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जितनी भी टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जाती हैं. तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किससे कंसर्न है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से रिलेटेड है रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, अभी मैंने इस पे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किया कि फंड फ्लो, कैश फ्लो, फाइनेंशियल रेशियो की नन ऑफ दी अबव. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जिसमें हम कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो देखते हैं और तीन तरह की एक्टिविटीज को लेते हैं. इसमें
फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को. अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन की ऑल ऑफ दी अबव. तो अकाउंटिंग एक तरह का क्या है जिसमें हम डेटा को रिकॉर्ड्स करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं. तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया प्रिस्क्राइब बाई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ बोर्ड के, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो ये जो हो गया है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा ऑथराइज हुआ है या किसके द्वारा प्रिस्क्राइब हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI के द्वारा हुआ है. द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंक्लूड मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स की सर्वाइवल. तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं इंक्लूड है, वो इंक्लूड नहीं है मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स से रिलेटेड है. नेक्स्ट है लेखांकन प्रमाप जो है 14 किसके अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जब निम्नलिखित में से एक का तय हो, अंशधारी या ऋण पत्रधारी तथा लेनदार, अंशधारी तथा लेनदार. तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंशधारी. मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है इसके भुगतान अंशधारी होते हैं. नेक्स्ट है लेखांकन प्रमाण 14 किससे रिलेटेड है, सम्मिश्रण हेतु लेखांकन, बी है सरकारी ग्रांट हेतु लेखांकन, विनियोग हेतु लेखांकन की, डी है अदृश्य संपत्ति है. तो लेखांकन प्रमाण जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 रिलेटेड है हमारी किससे, सम्मिश्रण हेतु लेखांकन से, जिसमें है एकीकरण सम्मिश्रण के लिए लेखांकन से संबंधित है, और 12 सरकारी अनुदानों के लेखांकन प्रमाण, 13 विनियोग के लिए, 26 अमूर्त और अदृश्य संपत्तियों से संबंधित है. नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग आउट द फॉलोइंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग. तो पहले देखो हम डेटा को क्या करते हैं, पहले करते हैं रिकॉर्ड, करते हैं रिकॉर्डिंग के बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन और समराइज, फिर उसे हम इंटरप्रेट करते हैं. तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लेखा करना, और वर्गीकरण, समचीकरण, निर्वचन. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन इज रिकमेंडेड फॉर द यूज बाय कंपनीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस अंडर ट्रेडिंग. तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही कि जो कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट्स ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, पोजीशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ कैश, एरर्स एंड फ्रॉड ऑफ द एम्प्लॉय. तो लेखांकन का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो प्रॉफिट या लॉस, लाभ हुई कि हानि हुई, कितने संपत्ति, कितनी दायित्व. कैपिटल ऑफ बिजनेस क्या है, व्यवसाय की पूंजी कैश है, एसेट्स है लायबिलिटी है कि क्या है. तो कैपिटल ऑफ बिजनेस क्या है, एक लायबिलिटी है जो हमें क्या है, चुकाना है. तो आई होप आप लोग को ये अकाउंटेंसी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी साल में आए हुए तो इसे आप एक बार देख लीजिए, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा. ओके, थैंक यू.